दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप लोग भी शिव की नगरी काशी के मंदिरों, घाटों, कॉरिडोर की भव्यता, यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को देखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ही देखो अपना देश के तहत IRCTC लेकर आए एक शानदार टूर पैकेज। तो दोस्तों इस टूर पैकेज के विषय में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा कि इस टूर पैकेज में कितना चार्ज लगने वाला है, कौन कौन से डेस्टिनेशन कवर किए जाएंगे, क्या फैसिलिटी मिलेगी, कितने दिनों का यह टूर पैकेज होगा। सारी जानकारी के लिए प्लीज़ लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कुछ तो मिला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की इस नगरी को सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। कहते हैं कि गंगा नदी के किनारे काशी नगरी भगवान शिव की त्रिशूल की नोक पर बसी है। पुराणों के अनुसार पहले भगवान विष्णु की पुरी थी। ऐसी मान्यता है कि काशी में मोक्ष मिलता है। काशी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी, मोक्ष नगरी आदि नामों से भी जाना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि टूर पैकेज में कौन कौन से डेस्टिनेशन कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों डेस्टिनेशन में है सारनाथ स्मारक, काल भैरव मंदिर, वाराणसी के घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर और कॉरिडोर, गंगा आरती, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, दुर्गा मंदिर, भारत माता मंदिर, पंचकोशी यात्रा के 5 प्रसिद्ध मंदिर जिसे पंच पड़ाव भी कहा जाता है, कर्दमेश्वर, भीमचंडी, रामेश्वर, शिवपुर और कपिलेश्वर, ये डेस्टिनेशन कवर किए जाएंगे। दोस्तों इस टूर पैकेज का नाम दिव्य काशी यात्रा है। 4 nights 5 days वाली इस टूर पैकेज की स्टार्टिंग दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से होने वाली है और इसकी टूर डेट है 22 मार्च 2022। दोस्तों 4 nights 5 days वाली इस टूर पैकेज में आप लोगों का कुछ इस तरह का कार्यक्रम होने वाला है। दोस्तों फर्स्ट डे आप लोगों को 3 बजे दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर वेलकम किया जाएगा। 4 बजे आप लोगों की ट्रेन प्रस्थान कर जाएगी। 8 बजे आप लोगों को ऑन बोर्ड ही डिनर दिया जाएगा। ओवरनाइट आप लोगों की जर्नी होने वाली है। दोस्तों सेकंड डे टूर पैकेज का कुछ इस तरह का कार्यक्रम होने वाला है। 7 बजे आप लोगों को ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। 8 बजे वाराणसी रेलवे स्टेशन पर आप लोगों की ट्रेन का आगमन होगा। 9 बजे सारनाथ स्मारकों और संग्रहालय की यात्रा के लिए विजिट करेंगे। 12 बजे चेक इन करने के लिए होटलों में आप लोगों को ले जाया जाएगा। 1:30 पर आप लोगों को लंच दिया जाएगा। 3 बजे सांस्कृतिक शाम के बाद व्यापारिक सुविधा केंद्र संग्रहालय का दौरा करने के लिए विजिट करेंगे। 8 बजे आप लोगों को डिनर दिया जाएगा और वाराणसी में ही आप लोगों की ओवरनाइट स्टे होने वाली है। दोस्तों थर्ड डे आप लोगों का कुछ इस तरह का कार्यक्रम होने वाला है। 6 बजे काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे। 8 बजे आप लोगों को ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। 9 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद खिड़किया घाट, राजघाट पर बोट्स में बोर्ड के बाद और भी घाटों पर ले जाया जाएगा। इसके बाद वाराणसी, काशी विश्वनाथ मंदिर और कॉरिडोर को विजिट कराया जाएगा। 1:30 पर आप लोगों को लंच दिया जाएगा। 3 बजे आप लोग लंच करने के बाद खाली समय में चाहे तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को बोट से शाम की गंगा आरती दिखाने के लिए ले जाया जाएगा। 8 बजे आप लोगों को डिनर दिया जाएगा और वाराणसी में ही आप लोगों की ओवरनाइट स्टे होने वाली है। दोस्तों फोर्थ डे आप लोगों का कुछ इस तरह का कार्यक्रम होने वाला है। 6 बजे संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, दुर्गा मंदिर और भारत माता मंदिर के दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। 9 बजे आप लोगों को ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। 10 बजे होटल से चेकआउट करेंगे और काशी के पंचकोशी परिक्रमा पर प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे, जैसे कर्दमेश्वर, भीमचंडी, रामेश्वर, शिवपुर और कपिलेश्वर। इसके बाद 7 बजे आप लोग ट्रेन में बोर्ड करेंगे। 8 बजे आप लोगों की ट्रेन दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएगी। रात में आप लोगों को ही ट्रेन में डिनर दिया जाएगा और आप लोगों की रात भर की जर्नी होने वाली है। दोस्तों फिफ्थ डे कुछ इस तरह का कार्यक्रम होने वाला है। 8 बजे आप लोगों को ट्रेन में ही ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। 10 बजे आप लोगों की ट्रेन दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। इसके साथ ही आप लोगों की जर्नी सुखद स्मृतियों के साथ दे इंड हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस टूर पैकेज में आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। तो दोस्तों देखो अपना देश डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन के द्वारा फर्स्ट एसी और सेकंड एसी क्लास में आप लोगों की ट्रेन की जर्नी होने वाली है। इसके बाद आप लोगों को शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जाएगा, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो। इसके बाद वाराणसी में अच्छी गुणवत्ता वाले एसी होटल में 2 नाइट स्टे करने के लिए आप लोगों को व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद एसी वाहनों में सभी स्थानांतरण और दर्शनीय स्थलों तक ले जाने के लिए व्यवस्था की जाएगी।
और IRCTC टूर मैनेजर की आप लोगों को सर्विस मिलेगी, टूरिस्ट कार्ड्स की सर्विस मिलेगी, ट्रेनों में सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी और ट्रेवल इंश्योरेंस आप लोगों का होगा। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए फैसिलिटी। अब दोस्तों बात करते हैं कि 22 मार्च 2022 से स्टार्ट हो रहे दिव्य काशी यात्रा टूर पैकेज में पर पर्सन कितना चार्ज लगने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सेकेंड एसी में। तो दोस्तों सेकेंड एसी में ट्रिपल शेयरिंग बेसिस के आधार पर आप लोगों को 24,500 लगेगा और चाइल्ड के लिए आप चाहे बेड चाहें या ना चाहें आप लोगों को 23,830 रुपये लगेगा। अब बात करते हैं फर्स्ट एसी में। तो फर्स्ट एसी में आप लोगों को ट्रिपल शेयरिंग बेसिस पर 29,950 रुपये लगेगा और चाइल्ड के लिए अगर आप बेड चाहते हो या ना चाहते हो आप लोगों को पूरा चार्ज लगेगा 29,265 रुपी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों को ये टूर पैकेज कैसा लगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, आपका दिन शुभ।